दामाद भगवान की तरह मिला। उसने ऐसे कहा, क्या खेरे मेरे दामाद इतने अच्छे हैं, मेरी बेटी को 7 बजे से पहले उठने नहीं देते, मेरे दामाद इतने अच्छे हैं सुबह खुद चाय बना करके मेरी बेटी को पिलाते हैं, मेरा दामाद इतना अच्छा है उन्हें 4 नौकर घर में रख रखे हैं, मेरी बेटी से झाड़ू भी नहीं लगवाते, आजकल तो कपड़े धोने की कौन सी मशीन आई, वॉशिंग मशीन आई है अब तो वो भी लगा दी, इतना ध्यान रखते हैं मेरी पत्नी मेरी बेटी का, इतना ध्यान रखते हैं, उसको तो कहते हैं कि तू सप्ताह में एक भी दिन खाना मत बनाया कर, अपन हल्दीराम चला करेंगे। कौन सी सोच का इतना फर्क है, बहुत तो चुड़ैल आ गई, बहुत तो चुड़ैल आ गई, और दामाद भगवान की तरह मिल गया, क्यों अपना बेटा पत्नी का गुलाम बन गया तो बहुत चुड़ैल है, और अपना दामाद अगर अपनी बेटी का अगर गुलाम बन गया तो वो भगवान है। वाह, ये सोच है लोगों की, इस रिश्ते पर कि लोग किस व्यवस्था से आगे बढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फर्क लाना चाहिए, थोड़ा सा फर्क लाना चाहिए। जैसे अपने घर से बहू बेटी, जब से अपने घर से बेटी विदा करते हो, अपने घरों में बहुएं मत लाया करो, बेटियां लाया करो। अगर तुम्हारे घरों में तुम्हारे घर से बहू अगर बेटी विदा हुई है तो शपथ खा लो कि बेटी की जगह बेटी ही लाएंगे, बेटी की जगह बहू नहीं लाएंगे। क्यों? एक माँ बेटी के साथ जो व्यवहार करती है अगर वही व्यवहार अपनी बहू के साथ करे तो क्या खराबी। मैं बहुओं को भी बता देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बात अपने मायके में माँ को बताने से अच्छा है जो जिसे स्वास बनाया है अगर उसे ही माँ बना लो तो क्या बुराई है, क्या बुराई है। एक माँ घर छोड़ करके आई हो या आई हो तो उसे माँ बना लो, और जो एक बेटी अपनी विदा कर चुकी है उसके घर आई हुई लड़की को बहू बनाने की बजाय बेटी बना ले तो मैं सोचता हूं कि रिश्तों में खुशबू आ जाएगी। वो रोने लगे, मैंने कहा कि किस बात का झगड़ा है, किस बात का झगड़ा है, ये खजाना ये तो साथ जाएगा नहीं, ये तो साथ जाएगा नहीं, ये जितना दुनिया भर का कबाड़ा इकट्ठा करके रखा है, अरे अवसर मिला हुआ है जिंदगी में, अपने आप को ठीक कर लो, तुम्हारे साथ वो जाएगा जो तुम यहां पर दूसरों के हित में करके जाओगे, जो तुम अपने लिए जोड़ करके इकट्ठा रखोगे वो ना तो तुम्हारे साथ जाएगा ना किसी दूसरे के काम आएगा।